ये कोई प्रॉपर रिव्यू नहीं है क्योंकि मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ। मैं एक व्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि आपको मूवी देखनी है या नहीं। तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक द गुड, सेकंड द बैड और लास्ट में ये कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द गुड। अच्छा क्या था? पहले बात करते हैं प्रोडक्शन डिजाइन एंड VFX की। आप जब इस मूवी को देखोगे तो ये एक चीज जो आप नोटिस करोगे वो है सेट डिजाइन एंड प्रोडक्शन, जो कि सीन एंड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट लगता है। आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पे एस्केलेट कर देता है, विच इज वेरी स्मार्ट। कुडोस टू अमृता महल फॉर द सेम। मेरा एक डर था अबाउट VFX के ओवर यूज को लेके, जो कि यूजुअली बॉलीवुड में सब कर देता है, बट थैंकफुली इस मूवी में VFX को एज एंड वेन नीडेड एंड फिनेस के साथ एग्जीक्यूट किया गया है। स्पेशली सारे अस्त्रों एंड उनसे एसोसिएटेड लाइट एलिमेंट्स को, जैसे जब भी कोई अस्त्र नेगेटिव साइड में चला जाता है तो इट गेट्स अ रेडर ह्यू। ऐसी डिटेल्स खासकर 3D मूवी एक्सपीरियंस को और बेटर कर देंगे, आई कैन अश्योर यू दैट। सेकेंड बात करते हैं म्यूजिक के बारे में। इस मूवी के म्यूजिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1, इसके सॉन्ग्स जो कि एवरेज है, थैंकफुली वो स्टोरी प्रोग्रेशन को बढ़ाते हैं, उसके पार्ट हैं एंड फोर्स्ड नहीं लगते टू अ लार्जर एक्सटेंट। पर मैं बात करना चाहता हूँ सेकेंड एस्पेक्ट की, जो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। साइमन फ्रैंकलिन ने यह स्कोर कंपोज किया है, हु इज अ हाईली अक्लेम्ड हॉलीवुड कंपोजर, एंड वो एक्सपर्टीज आपको दिखेगा। इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इज वेरी वेल कंपोज्ड, थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट, जहां जिस कॉन्टेक्स्ट में स्कोर नीडेड है उस अकॉर्डिंग है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, ये आपको सुनना पड़ेगा। एक ब्रिलियंट प्रोडक्शन डिजाइन एंड सिनेमाटोग्राफी के साथ एक वेल बैलेंस्ड बैकग्राउंड स्कोर, सिर्फ ये एक्सपीरियंस ही आपका पैसा वसूल करवा सकती है। थर्ड बात करते हैं रणबीर आलिया की केमिस्ट्री की। बाय केमिस्ट्री मैं एक्टिंग नहीं मीन करता हूँ, बट जो रोमांटिक मोमेंट्स ऑफ द फिल्म है, चाहे वो स्टार्टिंग के हो जब शिवा और ईशा का रोमांस बिल्ड हो रहा है, या लेटर इन द मूवी का, आपको वो केमिस्ट्री फील होगी उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी आंखों में। नो वंडर इस मूवी के शूटिंग के दौरान रणबीर एंड आलिया फेल इन लव, दिखता है ये मूवी में। चौथी बात करते हैं बिल्डअप टू द अस्त्रवर्स। ये मूवी अस्त्रवर्स का फर्स्ट पार्ट है एंड इसमें मोस्टली इसके बिल्डअप पे फोकस करते हैं एंड इस मिस्ट्री वर्स में ज्यादा डीप नहीं डाइव करते हैं। एंड डेयर आई से कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू एक बहुत ही एस्पायरिंग एंड इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट है। मूवी लास्ट तक आपको और देखने के लिए मजबूर करती रहेगी और आप इस जॉनर की मूवी से यही एक्सपेक्ट करते हो। इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस बट द प्रोग्रेस लुक्स गुड। पांचवा बात करते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की। इस मूवी में काफी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, अब चाहे वो कैमियोज हो या फिर साइड कैरेक्टर्स, सब ने अपने रोल्स को जस्टिफाई किया है एंड वो आपको स्टोरी प्रोग्रेशन में रेलिवेंट लगेंगे। यू विल केयर फॉर देम एंड दैट सेज समथिंग। अब बात करेंगे द बैड के बारे में। मैं टेक्निकली बैड नहीं कहना चाहूंगा बट थोड़े से अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स। पहले द नेगेटिव कैरेक्टर्स। मैं समझता हूं कि ये मूवी स्टोरी का सिर्फ बिल्डअप है, बट फिर भी इस मूवी के नेगेटिव कैरेक्टर्स थोड़े बेटर रिटन या एक्टेड हो सकते थे। आपका कॉन्टेक्स्ट बड़ा है तो आपके विलन्स भी मोर मेनेसिंग एंड ईविल होने चाहिए, जो मोनी रॉय एंड बाकी 2 नेगेटिव कैरेक्टर्स जोर एंड रफ्तार में लार्जली मिसिंग है। इनफैक्ट कुछ इंस्टेंसेस पे दो दे गेट ऑकवर्डली फनी। सेकेंड बात करते हैं इंस्पिरेशंस की। तो इंस्पायर होना अच्छा होता है पर कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये मूवी अपने स्क्रीन प्ले में उस इंस्पिरेशन की लिमिट के आसपास ही मिलेगी आपको। इल्यूमिनाटी का रेफरेंस, मार्वल से इंस्पायर्ड होकर मोनी रॉय का कैरेक्टर डेवलपमेंट, इवन हैरी पॉटर से इंस्पिरेशन, थोड़ा ज्यादा लग सकता है कुछ लोगों को। तीसरा बात करते हैं एडिटिंग की। मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी पेनफुली लंबी है, बिल्कुल नहीं, पर आई थिंक अगर इस मूवी के फर्स्ट हाफ को थोड़ा स्मार्टली एडिट करते तो ये मूवी 10-15 मिनट छोटी हो सकती थी, विच इज अ लॉट आजकल के शॉर्ट अटेंशन स्पैन ऑडियंस के लिए। पॉजिटिव्स कई हैं, नेगेटिव्स कम। ढूंढने जाओगे तो शायद कुछ और एक और मिले, पर वो भी शायद बहुत मेजर ना हो। काफी टाइम से हम कंप्लेंट करते रहे हैं कि बॉलीवुड सनातन कल्चर को डिमीन करता है, बट ये मूवी ऑनेस्टली हिंदू कल्चर और माइथोलॉजी को एक पॉजिटिव लाइट में एक्सप्लोर करता है। आई थिंक इसके लिए ये मूवी आपको देखनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि अगर कंटेंट सही हो तो रिसेप्शन अच्छा मिलेगा।
मेरे अकॉर्डिंग आपको ये मूवी देखनी चाहिए फॉर द विजुअल मार्वल, फॉर द न्यू अप्रोच इन स्टोरी लाइन एंड फॉर रणबीर आलिया केमिस्ट्री, बिकॉज ये मूवी विल लीव यू वॉन्टिंग फॉर मोर। यही तो चाहिए होता है ना एक अच्छी मूवी से, है ना। अगर आपने भी देखी है मूवी तो कमेंट डाउन बिलो। ये था मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम,